नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आप लोग के अपने ही YouTube चैनल स्टडी प्रोवाइडर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों के ही डिमांड पर, जैसा आप लोग कहते थे सर बिहार SI 2213 इसका प्रिपरेशन करवाइए, बिहार CDPO का, BPSC 67th, SSC GD, ऑल रेलवे एग्जाम्स। अब देखिए, आप लोगों के ही कमेंट्स पर हमने एक छोटा सा प्रयास लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए, इन सारे एग्जाम्स में अभी बिहार का जैसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा क्रेजियस, पागल करने वाला अगर कोई वैकेंसी है तो वह है बिहार SI 2213। इस एग्ज़ाम के लिए खासकर युवाओं में पागलपंती सवार रहता है। तो चलिए, इस मिशन को लेकर हम आगे कैसे तैयारी करें, उन सारी सोर्सेज को, उन सारी बुक्स को हम एक सरसरी निगाह से इनको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, इन सारे एग्जाम्स में कोर बुक्स जो हमारे पास होना ही चाहिए, लुसेंट्स GS, क्राउन GS, उसके बाद महेश बर्नवाल सर की बुक्स है सार संग्रह, कॉस्मोस पब्लिकेशन से आता है सार संग्रह जो कि NCERT बेस्ड है। इन तीन बुक्स के अलावा आपके पास SPD पब्लिकेशन जो कि रेलवे सामान्य विज्ञान करके मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी SPD में रिवाइज योर सेल्फ करके 1390 सेट्स का ऑब्जेक्टिव आया है, तो आप इन्हें जरूर ले। इसके बाद SPD यही रेलवे सामान्य विज्ञान का 930 सेट जो कि 1992 से लेके 2019 तक अवेलेबल है मार्केट में, उसे आप परचेज कर ले। इन पांच बुक्स के अलावा आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए लुसेंट्स का ऑब्जेक्टिव, क्रॉन ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक, जो भी आप इधर अगर आप बिहार SI का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बिहार SI का क्वेश्चन बैंक तो होना ही चाहिए, इसके अलावा BPSC का ऑल प्रीवियस पेपर हो तो क्वेश्चन बैंक हो गया। हाँ, एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट बात कि क्रॉन ऑब्जेक्टिव या फिर आप घटना चक्र का पॉइंटर का बुक्स, इन दोनों बुक्स में से कोई एक आप ले सकते हैं, क्योंकि क्रॉन बुक में और पॉइंटर में दोनों में हूबहू वही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सारी एग्जाम्स में आप करेंट अफेयर्स का वेटेज को देख सकते हैं, उसमें दिनों दिन उसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो करेंट अफेयर्स का तैयारी करने के लिए SPD का वार्षिकांक आता है, आप उसे ले जो कि प्रत्येक मंथ अपडेट होकर ही आता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता दर्पण जो कि मंथली वाला आता है, आप उसे परचेज करें, और समान ज्ञान दर्पण मंथली वाला आप इसे परचेज कर सकते हैं। इन सारी बुक्स को आप जरूर ही अपने टेबल पे रखें और इन सारे बुक्स में आप डूब जाएं। हमारे पास अभी तकरीबन पांच बुक्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं जो कि मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लुसेंट का ये वाली बुक्स ले लें, नेक्स्ट है क्राउन पब्लिकेशन का, और ये रही महेश बर्नवाल सर की सार संग्रह, और ये रहा SPD का रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 है, इसमें 1390 सेट्स हैं, आप इन्हें जरूर परचेज करें। इसका वन लाइनर भी आता है, तो अगर आपके पास वन लाइनर और रिवाइज योर सेल्फ अगर दोनों हैं 1390 सेट्स वाला, तो यह बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है रेलवे सामान विज्ञान का, आप 930 सेट्स अभी मार्केट में लगभग 1260 सेट करके आया है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। इन सारी बुक्स का अरेंजमेंट करके आपको सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करना ही होगा। एक बात जो कि आप हम सब लोग जानते हैं कि इस कम्पिटिटिव दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। साफ बात है कि आप जितना पसीना से नहाइएगा उतना आपका भविष्य और आने वाला कल चमकेगा। धन्यवाद दोस्तों।